श्राप है या वरदान पता नहीं, पर बचपन से ही जो भी पढ़ता है उसे याद रखने के लिए इसे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। दिखाना, टाइम खत्म हो रहा है, कुछ भी नहीं दिखाई दिया। तूने ज़ेरॉक्स कहा ना, इतना ही देखने मिलेगा। जनरली क्लासरूम में सब गलती करके मार खाते हैं। लैटिन ये है कि सर, अलजेब्रा इज एन अरबिक वर्ड, नॉट लैटिन। इट मींस रीयूनियन ऑफ ब्रोकन पार्ट्स। विकिपीडिया के नॉलेज से क्लासरूम में टीचर की गलती बताना ही काम है तुम्हारा। खुद को आइंस्टाइन समझते हो क्या, एरोगेंट इडियट? इस तरह दुनिया और खुद के बीच का फासला कम करने के लिए ये बचपन से ही कोशिश कर रहा है। देखा, दूध पत्थर पीता है, भगवान नहीं। इसी को कैपिलर रिएक्शन कहते हैं। ये सब तो पागल है। लोगों के विश्वास पर सवाल उठाने के लिए खुद को सोक्रेटिस समझते हो? दिमाग और शब्दों के बीच में फिल्टर रखना सीखो। माइंड और सच को फिल्टर करेंगे तो वो झूठ होता है। मतलब झूठ बोलो उसके लिए मुझे सजा दे रहे हो पापा? इनका नाम मिस्टर दशरथ है। अभी की माँ गुजर जाने के बाद उसे माँ की कमी महसूस ना हो इसलिए उन्होंने कमला से शादी की। इनके पति के गुजर जाने के बाद अपनी बेटी को पिता की कमी महसूस ना हो इसलिए इन्होंने दशरथ से शादी की। इसकी सौतेली माँ है ना, इसलिए इसकी सारी प्रॉब्लम्स की जड़ यही है। क्या ये? दशरथ एक एवरेज ग्रुप बून गैजेट ऑफिसर है, यानी अपने मुंह से रिश्वत ना मांग कर खुद सामने वाला अपने आप से ही रिश्वत दे दे, इस तरह उन्हें काम करना पसंद है। क्या हुआ, पैसे चाहिए क्या? आज से मैं जो खाना खाता हूँ और यहाँ रहता हूँ उसकी फी। कहाँ से मिले पैसे? आज से मैं करप्शन फ्री हूँ मिस्टर दशरथ। इस तरह अपने पापा के साथ बिगड़े हुए संबंध और निराशा को किताबों पर निकालते हुए वो IAS से लेकर अमेरिका की MIT तक हर एग्जाम में कामयाब हुआ। देश के सारे एग्जाम देते हुए टाइम वेस्ट करने की बजाय किसी एक एग्जाम पर फोकस करता तो पास हो जाता ना। इन एग्जाम्स में वो पास नहीं होगा, ये तुम्हें कैसे पता? मतलब क्लियरिटी नहीं है ना। ये उसने खुद के लिए लिखा है और ये सारे उसने अपने अहंकार के लिए लिखे हैं। उसके पास तो क्लियरिटी है पर उसके आसपास की दुनिया में कोई क्लियरिटी नहीं है। आपको ही दिया भाई। हाँ। छोटू मुझे देने वाला था ना। आपको ही दिया भाई। दीदी दीदी आप किसको वोट देने वाली हैं? विशाखा बानी पार्टी को। पैसा कितना दिया है? 5,000। अच्छा तो आपके CM ने कुछ नहीं दिया क्या? CM ने भी दिया है, 10,000 दिए हैं। उस हिसाब से तो वोट उन्हीं को देना चाहिए। पहले उनको 2 बार वोट दिया है, दीदी ने नई पार्टी बनाई है, देखते हैं वो जीतेंगी तो क्या देंगी। अरे वाह, आप तो कितनी होशियार हैं। वैसे रिटायर्ड IAS ऑफिसर राम प्रकाश अच्छे पढ़े लिखे हैं, आप उन्हें क्यों वोट नहीं दे रही हैं? उन्होंने हमें 100 रुपए भी नहीं दिए, नालायक कहीं का, उन्हें वोट दे के क्या होगा? ये हाल है, पैसा नहीं दिया तो हार पक्की है लेकिन पैसा देने पर भी जीत पक्की नहीं है। मतलब पावर ऑफ डेमोक्रेसी मैन। अगर अकल होती तो वो सारे लीडर्स पैसे देना बंद कर देते, वरना ये लोग तो सबसे पैसे लेकर किसी को भी वोट दे देंगे। ये भी लोकतंत्र की शक्ति है। ठीक है ठीक है। राहुल दीपक ओके। तुमने ऑलरेडी वोट दे दिया, जाओ। इंक है क्या? नहीं। फेस मैच हुआ? हुआ। मतलब मेरा वोट क्लियरली रिग हुआ है ना? हेलो, ये वोटिंग बूथ रिग्ड है, सब अपने घर चले जाइए। ए, रुक जाओ, कोई वापस मत जाना। ये क्या पागलपन है? रूल के मुताबिक तुम्हारा वोट मिस होता है तो टेंडर बैलेट पर साइन करना पड़ता है, हट जाओ। मेरा वोट मिस नहीं हुआ है, क्लियरली रिग हुआ है। वोटिंग कैसे हो सकती है? ए, वोटिंग रोकने वाला तू कौन है? ये पूछने वाले तुम कौन हो? पोलिंग ऑफिसर हो? नहीं ना, जाओ। कौन है भी? कंसर्न्ड पोलिंग ऑफिसर को बुलाइए, तब तक वोटिंग बिल्कुल नहीं होगी। क्या प्रॉब्लम है? ओह, तो आप ही हो वो कंसर्न्ड पोलिंग ऑफिसर। इस बार कौन सी पार्टी ने पैसे दिए हैं?
पागलपन दिखाने की जरूरत नहीं है। टेंडर बैलेट पे चुपचाप साइन करो और निकलो। टेंडर बैलेट पे मैं सिग्नेचर क्यों करूं जब क्लियरली मेरा वोट रिग हुआ है? और कितने वोट रिग हुए हैं क्या पता, इस भूत को रोकना ही होगा। बड़ा मत यार, यहां से निकल लेते हैं, चल ले यार। मैं क्या कर रहा हूं मुझे पता है, तू जा यहां से। ओए क्या कर रहा है बे तू, क्या प्रॉब्लम है? कुछ नहीं, इसका वोट मिस हुआ बोलकर पोलिंग रोकने की कोशिश कर रहा है। मिस नहीं हुआ है, मेरा वोट रिग हुआ है। नहीं, वोट रिग हुआ है तो बैलेट पे दस्तखत करके जाओ यहाँ से, यहाँ पे लफड़ा मत करो। ओह, वोट रिग हुआ है ये सुनने के बाद आपका रिएक्शन इतना ही है? अगर लॉजिकली कहूँ ना तो सिर्फ इस एक बूथ को नहीं सारे इलेक्शन को रोकना चाहिए। ये बात यहाँ नहीं, इलेक्शन कमीशन में जाकर करो। हाँ मैं वहाँ भी बात करूंगा। एक वोट के रिग होने में और मिस होने में बहुत बड़ा फर्क है। लॉजिकली एक भी वोट अगर रिग होता है ना तो उसे डेमोक्रेसी नहीं कहते। अगर एक मर्डर को गलत नहीं माना तो 100 मर्डर्स भी गलत नहीं होंगे। यहाँ एक ही वोट रिग हुआ है, इसकी क्या गारंटी है? ये पूरा बूथ रिग नहीं है, इसकी क्या गारंटी है? 100% रिगिंग फ्री इलेक्शन इज द वेरी फाउंडेशन ऑफ एनी डेमोक्रेसी। इंचार्ज होने के नाते इस बूथ को तो डिस्क्वालीफाई कर दीजिए। ये तुम्हारा बेटा है ना? Yes, sir. इज्जत से टेंडर बजट पे साइन करो और जाओ यहां से, वरना अर्बन नक्सल के नाम पर सबको अंदर कर दूंगा। तुम्हें पता है इसका मतलब? तुम्हारा MIT एडमिशन, अमेरिका का ड्रीम्स सब बर्बाद हो जाएगा। निकल जाओ यहां से। शर्म नहीं आती ऐसी बात करते हुए? कलेक्टर के तौर पे आप इस जिले के सर्वोच्च प्राधिकारी हैं। आपको उन्हें अरेस्ट करना चाहिए जिन्होंने पुलिस के होते हुए भी हम पर हाथ उठाया। अर्बन नेक्सल्स तो वो हैं जिनकी रक्षा करते हुए आप हमें धमकी दे रहे हो। उस समय के लिए इमोशंस को किनारे रख के बात करते हैं। तुमने सही कहा, मुझे शर्म नहीं आती। मुझे ही नहीं बल्कि तुम्हारे पापा और पुलिस को भी नहीं आती। पॉलिटिकल लीडर्स के दबाव में रहने वाले सिविल सर्वेंट्स को कभी नहीं आएगी। अभी तुमने कहा ना, उन गुंडों में और हमें कोई फर्क नहीं है। छोटे, इस देश में हर कोई इंजीनियरिंग पर कितना मिलेगा, मेडिकल में कितना मिलेगा, MBA करने पर कितना मिलेगा, इस तरह से हिसाब लगाते हैं। लेकिन IAS बनने वाला सिर्फ देश का कितना भला होगा ऐसे सोचता है। पर सिलेक्शन के 6 महीने बाद ही, जैसा तुमने कहा, बिना शर्म के जीने की आदत बना लेता है। बाहर से पत्थर मत फेंको, कभी अंदर आकर देखो तब पता चलेगा। ये बूथ विशाखा वाणी का है, डिस्क्वालीफाई करना मुश्किल है, ऐसा करना तुम्हारे लिए रिस्क है। सो इस वन साइड वॉर में लाइफ बर्बाद मत करो, फ्लाइट लो और निकल जाओ। एक हफ्ते में अमेरिका जाने वाली हूँ, इन सब झंझटों में मत पड़ो। वैसे भी भागने वाले को देश के बारे में बोलने का हक नहीं। जाओ। किसी ने कुछ कह दिया तो क्या जोश में आकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेगा? मेरी बात मान, नीचे आ जा। MIT छोड़कर IAS में आकर क्या हासिल कर लेगा? जिद की वजह से किसी के हाथों मारा जाएगा या फिर हवालात पहुंच जाएगा। ये अमेरिका चला जाएगा और मैं शांति से जीऊंगा, बहुत खुश था। दौरा पड़ने लगा फिर इसे, जरा समझाओ इसको। IAS के इंटरव्यू में 3 में से कोई एक ही सिलेक्ट होता है ना जी, शायद ये फेल भी हो सकता है। आप अभी से इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? बहुत होशियार हो। मेंस एग्जाम में 500 में एक पास होता है, जिसे इसने पास कर लिया है, अब इसके लिए इंटरव्यू कौन सी बड़ी बात है? ए, तुझे अपने फैसले पर अफसोस होगा, नीचे आ जाना बेटा। अफसोस होने तक अपने तरीके से जीने दीजिए मिस्टर दशरथ, 25 साल का हो चुका हूँ, मेरी जिंदगी मुझे जीने दीजिए। ए,
पाँच साल की उम्र से तू यही तो कर रहा है, फ्लाइट मिस हो जाएगी, नीचे आना। पापा अब बस भी करो, उड़ के जाएगा तो भी फ्लाइट नहीं मिलेगी, बेकार में चिल्ला के थकिए मत, चलिए अंदर चलते हैं। चलो बेटा। लुक मिस्टर दशरथ, इस दुनिया में सबसे अच्छी तरह से मेरे बारे में जानने वाले आप ही हो। टाइम पर टिकट कैंसिल किया होता तो 1,00,000 रुपए बच जाते, अब उसे मेरे अकाउंट में मत जोड़ देना। अगर तुझे अमेरिका नहीं जाना है तो घर में मत आना। आप इसे घर से क्यों निकाल रहे हैं? ये अपनी मर्जी से पला बढ़ा है और अब अपनी मर्जी से जीना चाहता है, इसे हमारी जरूरत ही क्या है? सुन भाई, अपना पेंट हाउस रेंट पर देगा? कम से कम वहाँ पापा तो नहीं होंगे, 5,000 एक्स्ट्रा दूंगा। बहुत फेंक चुका है, चल अभी। वो बैग भी उठा ले। मुफासा टीला पर खड़े होकर सिम्बा को ना मुड़कर देख के भाग जाने को बोला था, पर मुसफा भी तो भाग सकते थे। सिम्बा को बचाने के लिए दुश्मनों से लड़ाई करनी थी ना। डैडी को देख के 24 दिन हो गए हैं आंटी, फोन भी नहीं किया उन्होंने। डैडी जहाँ गए हैं ना वहाँ सिग्नल नहीं है, इसलिए कॉल नहीं किया। तुम डैडी को जितना मिस कर रही हो ना, उतना ही डैडी भी तुम्हें मिस कर रहे होंगे। इधर देखो, तुम अगर अच्छे से स्कूल जाओगी ना तो डैडी आ जाएंगे। मायरा हाय, एनी न्यूज? नो। पुलिस ने क्या कहा? एज यूजुअल, कह रहे हैं कि ढूंढ रहे हैं। ओ गॉड, तुम्हें हॉस्पिटल से कोई क्लू मिल पाया क्या अभी तक? नथिंग यार, आई लेट यू नो इफ आई फाइंड एनीथिंग। ए मायरा, मायरा। हाँ? तुम्हारे भैया के मिसिंग होने से इसका कोई कनेक्शन है या नहीं पता नहीं, पर जिस दिन वो गायब हुए थे गुना नाम का एक गुंडा वरुण के पास कंसल्टेशन के लिए आया था, नर्स ने मुझे बताया। क्या यही लोकतंत्र है? पिछले हफ्ते हुए मतदान में बूथ ओपन हुए 1 घंटे के अंदर ही अपना वोट रिग होने वाली युवक का सवाल पूछना गलत है क्या? सवाल गलत सही का नहीं है, एक वोट के चूक जाने से सारी व्यवस्था को दोषी ठहराना ये गलत है। व्यवस्था के बारे में प्रैक्टिकल नॉलेज ना रखने वाले ऐसे मूर्ख अगर देश छोड़कर चले जाएं तो ही बेहतर है। व्यवस्था के खिलाफ खड़े होने वाले हर इंसान को एंटी नेशनल कहकर उन्हें देश से भगाने के लिए देश को ही उनके बाप की जागीर नहीं है, उस युवक का यही कहना है। देश में रहते हुए सिस्टम से लड़ने पर फायदे की जगह नुकसान हो जाता है। अरे आखिर है कहाँ पे न्यूज? हाँ, अरे अचानक से फैली हुई न्यूज है ये। हाँ बता ना, सच बोल, तूने झगड़ा किया ना? बोल तो नहीं रहा, नहीं छोड़ूंगी। दीदी रुको, बता, झूठ बोलने लगा है तू? बोल सच, बता मुझे क्या किया तूने? रुको, स्कूल में झगड़ा किया? क्या जानवरों की तरह मार रही हो, ये क्या बात हुई? क्या हुआ इसी से पूछ लो। क्रिकेट खेलते हुए नाक की हड्डी टूट गई है और इसने स्कूल में झगड़ा भी किया है। जब तक मैं नहीं जाऊंगी इसकी स्कूल में एंट्री नहीं है, स्कूल बस वाले ने अभी बताया। तो क्या इसकी जान लोगी? तेरे इस कहीं और नहीं बल्कि माँ बाप के रूप में घर में ही होते हैं। तू बहुत अच्छी नसीहत दे रहा है उसे। तुम जाओ, मैं जाऊँगा इसके साथ। ठीक है, तुम ही जाना, मामा जो हो। Excuse me, sir. Yes, come in. Yes, sir. आपका बेटा है? ये आपके बच्चे हैं। इनकी बुआ हूँ। मैं इसका मामा हूँ। बोलिए, what's the problem? I love you. If you love me, circle yes. If you don't, circle no. Hello. मैंने तुम्हें लव लेटर नहीं दिया है, तुम्हारे भांजे ने मेरी भतीजी को दिया है। तो बताइए अब मैं क्या करूँ? क्या पूछ रहे हो, क्या करें? चाटा मारो उसके गाल पे। उसे चाटा लगाऊंगा तो उसकी फीलिंग्स मर जाएंगी क्या? Shameless thing. Excuse me. आपके एक्सेंट से लगता है कि आप अमेरिका में पली बढ़ी हो। ये इस पे सर्कल किसने बनाया?
ये देखकर इसने इसकी नाक फोड़ दी और इसने उसकी नाक फोड़ दी, है ना? पिट को मारने वाला मैं नहीं। What a shame. इसमें शेम फील करने जैसा कुछ भी नहीं है। उनके मन में जो लव है वो अलग है और आपके मन में जो लव है वो अलग है। बच्चों की नजर में लव का मतलब है सिर्फ पसंद। बच्चे अपनी बढ़ती उम्र में हर कदम पर एक नए रिलेशनशिप के बारे में सीखते हैं। उन्हें हम जितना प्योरली देखेंगे वो भी उतना ही प्योरली देखेंगे। सुनो आर्या, आंटी को सॉरी बोलकर फिर कभी प्रिया से बात नहीं करोगे, प्रॉमिस कर। I am sorry, long wait. पीट, आर्या को तुमने मारा इसलिए तुम सॉरी बोलोगे। एक मिनट, आप क्यों सॉरी बोल रहे हो? ऐसे गधों को एक टांग पर पूरे स्कूल में दौड़ाना चाहिए, वरना हर लड़का हर लड़की को लव लेटर देता फिरेगा हमारे स्कूल में। इस तरह सबके सामने पनिश करने की वजह से ही वो ऐसा करते हैं। इन्हें तो लव शब्द का मतलब ही नहीं पता है। प्लीज इन्हें छोड़ दीजिए सर। नो नो, आई वोंट एक्सेप्ट दिस सेटलमेंट राइट नाउ। आई एम सस्पेंडिंग दिस बॉय विद इमीडिएट। इट्स ओके सर, आई एम विथड्रॉइंग माय कंप्लेंट। प्रिया, पीट, कम लेट्स गो। ओके सर, आप अपने घर के फ्रस्ट्रेशंस स्कूल में लेकर मत आइए। थैंक यू सर। चलो आर्या। एक्सक्यूज मी, माय नेम इज अभी। हाय मायरा। आपको एतराज ना हो तो हम थोड़ा वक्त साथ बिता सकते हैं। एक्सक्यूज मी, मतलब क्या आप मेरे भतीजे के साथ और मैं आपके बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर सकता हूँ? ओके प्लीज। क्यों, तुझे हिंदी नहीं आती? आती है पर उसे पसंद नहीं है। अरे मेरी गुड़िया, तुम्हें इतनी अच्छी हिंदी किसने सिखाई? मेरी पापा ने। ओह ठीक है, तुम्हारी आंटी क्या करती है और यहाँ और कितने दिन रहेगी? मेरा आंटी ट्रिनिटी कॉलेज की म्यूजिक स्टूडेंट है। डैडी के रिसर्च सेंटर से वापस लौटने तक वो यही रुकेंगी, उसके बाद अमेरिका चली जाएंगी। ओह तो परदेसी पंछी है। ठीक है, मेरा एक छोटा सा पजल सॉल्व करोगी? तुम हो गोरी और यह है देसी गोरा और तुम्हारी बुआ है देसी, तो इतनी छोटी सी फैमिली में इतने रेसेस कैसे हो गए? सिली, इट्स सो सिंपल। मेरी दादी इंडियन है, मेरे दादाजी अमेरिकन है। डैडी दादाजी की तरफ गोरे पैदा हुए और मेरी बुआ दादी की तरह पैदा हुई और मैं भी मेरे डैडी की तरह गोरी पैदा हुई और बेटे मम्मी की तरह पैदा हुआ। That's all. So simple. पर मेरी मम्मी मर गई। अरे मेरी गुड़िया, आई एम सो सॉरी बेटा। हाय, योर नेफ्यू इज अ स्मार्ट बॉय। दे आर सच वेल मैनर्ड किड्स। थैंक यू। आई एम सो सॉरी अबाउट देयर मदर। थैंक्स फॉर योर कंसर्न। सुना है आप म्यूजिक स्टूडेंट हैं, अगर आपको लोकल म्यूजिक के बारे में स्टडी करना हो या दिल्ली में घूमना हो तो मुझे बताइए। आई विल टेक यू। श्योर, ऑफ कोर्स, विल कैच अप। दिस इज माय फियांसेस कॉल, आई नीड टू टेक दिस। आई विल सी यू अराउंड। कम। हाय। या आई एम गुड, हाउ आर यू? क्यों आर्या, आंटी ने मेरे बारे में कुछ भी नहीं पूछा ना? तुम क्या करते हो पूछ रही थी। तो तुमने क्या बताया? IIT में पढ़कर MIT में सीट पाकर तल्लुपुरु में बेकार घूमते हो ऐसा बताया। पैसों से कार्यकर्ताओं को वोटर्स को खरीद कर जीत हासिल की है।
ईवीएम से छेड़खानी की गई है। यहाँ ऐसे हालातों में केंद्र में ज्यादा मेजोरिटी से जीत हासिल करने वाली इंडियन डेमोक्रेटिक पार्टी को हमारा साथ नहीं मिलेगा, ऐसा स्पष्ट किया विशाखावाणी ने। श्रीमती विशाखावाणी जी के बेटे कईकलूरी एमएलए विष्णुवर्धन को गवर्नर रमाकांत जी ने सरकार की तैयारी के लिए चुनौती दी है। तो अभी हमें ये देखना है कि आने वाले चुनाव में कौन सी पार्टी जीत हासिल करेगी। तो अब हम जाएंगे हमारे संवाददाता मिस्टर संजय नायर के पास जो अभी पार्लियामेंट में उपस्थित है। लोकतंत्र के चार स्तंभ क्या क्या है? सरकार को चुनने का हक जनता का है, मेजोरिटी रूल्स, चुनी जाने वाली सरकार को जाति और धर्म का भेदभाव किए बिना सारी जनता का पालन एक समान करना चाहिए। हमें सपोर्ट नहीं किया ना, देखना आज से स्कूल कॉलेज कैसे चलाता है। कानून और न्याय व्यवस्था को दबाव में आए बिना ईमानदारी से काम करना चाहिए। नई सरकार के आते ही राज्य में 9 कलेक्टर्स, 6 एसपीज और 2 जजेस की बदली हो गई है। जितने भी मर्डर्स हैं, करप्शंस हैं, उनके बारे में 3 साल में सोच लेना। आखिरी 2 साल में वोट दिलाने वाली योजनाओं के बारे में सोच सकते हैं। वोटर छोटे बच्चों जैसे होते हैं, सुबह पिटाई करो और शाम को एक बिस्किट का टुकड़ा फेंक दो तो खुशी से उछल जाते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री के इशू किए गए सारे कॉन्ट्रैक्ट्स गलत थे, सो वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स रद्द कर रिवर्स टेंडर जारी किए जा रहे हैं। मैडम, अब तक 30% इन्वेस्ट किया है, अब कैंसिल करेंगे तो हमें कंपनी बंद करनी पड़ेगी। अगर ऐसा हुआ तो नई कंपनीज पे इन्वेस्ट करने की हिम्मत नहीं करेंगे, लाखों लोगों की नौकरी चली जाएगी, इकोनॉमी भी डाउन हो जाएगी। आप लोग सिर्फ अपनी कंपनी के बारे में सोचिए, इकोनॉमी के बारे में सोचने के लिए हम हैं। क्या करें आप ही बताइए मैडम। उस पार्टी के लिए जो किया वही कीजिए। वाक, मत, विद्या, व्यापार, पेशा जैसे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना होगा। कॉफी पियेंगे तो पेट खराब हो जाएगा। फैक्ट्री में कितने लोग काम करते हैं? 5,000 लोग। महीने का कुल पगार कितना होगा? कम से कम 3 करोड़। तो वो 3 करोड़ इस अकाउंट में डाल दोगे तो वर्कर्स को पगार हम देंगे। सरकार को लेने वाले हर जरूरी फैसले में जनता की राय लेनी चाहिए, जैसे प्लेबिसाइट्स। मर्डर भी करना हो तो सोच समझ कर करना होगा, तभी अपोजिशन डिफेंस में आ जाएगी। किसानों की इच्छा के मुताबिक एडूरू कोर्ट तक टेलरों के आक्रमण को रद्द करने का पिछली सरकार ने कोर्ट से ऑर्डर ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का मान ना रखते हुए मुडरू कांटूर तक टेलरों पर आक्रमण कर मछली का व्यापार कर सकते हैं, ऐसा राज्य सरकार ने विवादस्पद जियो जारी किया है। इस जियो की वजह से मत्स्यकार खुशी मना रहे हैं तो दूसरी ओर वहीं के आसपास के किसान विरोध कर रहे हैं। अब तक जो हमारे ऊपर हमले हुए हैं उससे हमारी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, हम चिल्ला कर कह रहे हैं, तो वापस नए अतिक्रमण की क्या बात कर रहे हैं? अगर वो इलेक्शन जीते हैं तो वो क्या सोच रहे हैं कि वो कुछ भी करेंगे? हाँ, इस जियो से बाधित किसान होने के नाते इस महीने की 16 तारीख को सारे जिले में बंद का ऐलान करता हूँ। देख रहा है इनकी हालत, गवर्नमेंट का बदलना यानी पुराने गुंडे अंदर जाकर नए गुंडों का बाहर आना है। ये गृह प्रवेश के दिन आकर नकली डॉक्यूमेंट दिखाकर जगह मेरी बोल रहे हैं, क्या हम पागल लगते हैं क्या? इतने सारे एग्जाम्स को लिख चुका है, अब इंटरव्यू के लिए भी इतनी सारी बुक्स पढ़ना है। इंटरव्यू के लिए कोई सेपरेट सिलेबस नहीं होता, इसलिए इतनी बुक्स पढ़नी पड़ती हैं। अब समझाना तू क्यों मैं ऐसे टॉर्चर एग्जाम्स नहीं देता हूँ। मैंने इस जगह पर घर बना रहा था तब तुम्हें दिखाई नहीं दिया? अबे तू बना रहा था ना, इसीलिए मैंने सोचा सीधे घर बनने के बाद हल्ला बोलने के लिए इंतजार करते हैं। एक ही जगह को 2 लोगों को बेचने के लिए वो कोई पागल नहीं है? मेरी जमीन पर घर बनाकर मुझसे जबान लड़ा रहा है तू? हमारी जिंदगी से वैसे भी खेती दूर कर चुके हो तुम,
दिन रात मेहनत कर बनाए इस घर को भी तुम छीनना चाहते हो मुझसे? बर्बाद हो जाओगे तुम, बर्बाद हो जाओगे। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, ज़ेरॉक्स नहीं, ये देखो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। मेरा भी ओरिजिनल है। ओए, औरतों को बाहर निकालो। औरतों पर हाथ उठाए तो हाथ काट दूंगा। तेरे डॉक्यूमेंट सही है तो जाकर कोर्ट से ऑर्डर लेकर आ। कोर्ट में जाने की जरूरत तुम्हें? ये जरा डॉक्यूमेंट दिखाइए तो। तू यहाँ पर कैसे? रिश्तेदार है क्या? तुम्हारे डॉक्यूमेंट में सर्वे नंबर दूसरा है। आ, वो जब मैंने खरीदा तब बदल गया। बदल गया तो कोर्ट में जाने की जरूरत तुम्हें है। एक लीगल प्रॉपर्टी में जबरदस्ती घुसने के जुर्म में अगर मैं तुम्हें मार भी दूं तो भी वो जुर्म नहीं है। भाई कहाँ से है पता लगाओ रे। तुम्हारा क्या है बुढ़िया, अब किसकी आरती उतारना चाहती हो? चल निकल बुढ़े। किताबों में रहते हैं तब तक ही सुरक्षित हैं, बाहर निकलकर बेकार की चीजों में टांग अड़ाएंगे तो हमारे पैरों के नीचे गिरकर कुचले जाते हैं। जाओ अपने किताबों में जाकर छुप जाओ। बेकार में पैदा होकर बेकार में बढ़ रहा है तू। सही कहा, पैदा होते ही छुरी हाथ में लेकर बेकार में टांग अड़ाने वालों को मारते हुए बड़ा हुआ हूं। ए, जान बड़ी नाजुक चीज है रे, उफ कर दे बुझ जाती है। हेडलाइट नीचे कर, नीचे कर हेडलाइट, नीचे कर बोला ना। ए, कौन है तू? ए, बता कौन है तू? हमारे बीच में कोई प्रॉब्लम है तो हम सॉल्व करेंगे ना। अपना हीरोज़म जाकर अपने बाप के पास दिखा। एक प्लॉट पर दो सर्वे नंबर्स, दो प्लॉट जैसे बम्पर ऑफर देकर हमारी जिंदगी को मिट्टी में मिलाने वाले तुम्हारे बाप जैसे ऑफिसर्स ही हैं। जाकर अपना धर्म वहां दिखाओ, जाओ। ए, जाओ ना। तू इन सब के बीच में क्यों फंसना चाहता है यार? भाई वो चाकू अंदर रखो, हम आपस में बात करते हैं ना। बात करने जैसा कुछ नहीं है रे। उस तेलरी के ऊपर कुछ बंद का ऐलान किया था ना, उसे पीछे ले वरना तुझे मारकर तेरी ही बीवी के साथ तेरे ही घर में घर बसाऊं। हेलो, आर वी गोइंग टू नो सी स्टिल ऑन दिस टाइम। किससे बात कर रही है? फैन से। कितना वक्त लगेगा? कभी कभी 2-3 घंटे या फिर कभी पूरा दिन। ओह नो, just ask her, no? I can't. Let her finish, no? So, what are you doing? How can you say that, you insensitive bastard? You must be a moron to even suggest that. I saw a glimpse of my future with you and scary. You're blowing this out of proportion, Maya. Just stop your bullshit. Who is she shouting at? Fiancé. Are they breaking up? Don't know. Auntie, are you breaking up with Nitin uncle? Who are you talking to? Arya is asking if we are going to the bird sanctuary. Priya, please hang up the phone and do your homework. क्यों Arya? Breakup हो गया क्या? क्या बता, मैं नहीं जानता। मामा जी मुझे bird sanctuary में लेके चलो ना, please. Hey, एक हफ्ते में मेरा interview है और तुझे bird sanctuary ले जाऊँ? जाकर अपने नाना से पूछ ले, जा। नहीं, वो बहुत boring है। Please मामा जी ले चलो ना। ना बंद कर यार। Hey, this is Myra. Oh, hi, hi, hi. मैंने बच्चों से प्रॉमिस किया था कि बर्ड सेंचुरी ले जाऊंगी, पर मेरा मूड ठीक नहीं है तो if you don't mind and if you're free,
क्या तुम लेकर जाओगे? Of course, I'm free only. In fact, मुझे भी बोर हो रहा था, मैं लेकर जाऊंगा उन्हें. Thank you, I'll see you. हेलो हेलो, मायरा. या? तुमने कहा तुम्हारा मूड अच्छा नहीं है, तुम भी साथ चलोगी तो अच्छा लगेगा. I promise, you won't regret it. मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, तुम्हें बहुत मजा आएगा. Please join us. Okay. Okay. ब्रेकअप सुनते ही रेडी हो गया. ज़्यादा ही फोन लगा है तू, हाँ? इनके पापा रिसर्च के काम से अफ्रीका गए कहकर बच्चों से झूठ बोल चुके हैं और इस बात पर यकीन कर ये लोग खुश हैं. ये खुशी उनके चेहरे से कब गायब हो जाएगी सोचकर ही डर लगता है. भैया को गायब हुए 30 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, उनके साथ क्या हुआ कुछ नहीं पता. जिस दिन वो गायब हुए उसी दिन गुना नाम के गुंडे से मिले, ये बात जानकर तो और भी डर लग रहा है. पुलिस है कि बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रही है. सर वरुण मिस हुआ उसके पहले वो कलेक्टर से मिला था. मिस हुआ उसी दिन गुना नाम का गुंडा वरुण से मिला था. ये किडनैप केस है सर, आपको क्यों नहीं लग रहा है? मतलब क्या कहना है तुम्हें? मैंने, कलेक्टर ने, गुंडों ने मिलकर तुम्हारे भैया को किडनैप किया है क्या? मैं बच्चों को अडॉप्ट करके अपने साथ अमेरिका ले जाना चाहती हूँ. बच्चे इंडियन सिटीजन होने की वजह से उनके पेरेंट्स के सिग्नेचर चाहिए या फिर उनके डेथ सर्टिफिकेट चाहिए. It's like I'm stuck in limbo without a conclusion to the case. ऐसी सिचुएशन में मेरे लिए बच्चों से बढ़कर और कुछ भी नहीं है. I want to adopt them. But that bastard, my fiance, वो बच्चों को अनाथ आश्रम में छोड़ने के लिए कह रहा है. इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया. मायरा, लड़कियों की ममता ना देखने वाला इंसान नहीं हो सकता. इस सिचुएशन में तुम ही उन बच्चों की माँ हो, ये समझने वाला ही तुम्हारी लाइफ में होना चाहिए. सब ठीक हो जाएगा. हेलो मायरा हैंसन. यस, क्या एक बार आप ऑफिस आ सकती हैं? ओके. डिप्रेशन की वजह से अल्कोहलिक हो चुके थे, हमें इन्वेस्टिगेशन से पता चला है. सुइसाइड टेंडेंसी भी हो सकती है ऐसा पता चला है. सर एक बार उन बच्चों को देखिए सर, कोई भी पिता उन्हें छोड़कर सुइसाइड करने की सोच सकता है. आप कोई साइकेट्रिस्ट हो? सुइसाइड करने वाले का माइंडसेट कैसा होता है ये जानते हो क्या तुम? इस केस को सॉल्व करने से ज्यादा आपको इसे सुइसाइड केस बनाने में ही ज्यादा इंटरेस्ट लग रहा है. ब्लड स्टेन्स नहीं है तो सुसाइड हो गया कहकर लिख दोगे? बॉडी ढूंढने की जरूरत ही नहीं है. वो नदी जाकर समंदर से मिलती है, कहां जाकर तलाश ले बता सकते हो? बिना प्रैक्टिकल नॉलेज के बात मत करो. देखिए अगर उन बच्चों की कस्टडी आपको चाहिए हो तो एक तो आपके भैया की दस्तखत चाहिए होगी या फिर उनकी डेथ सर्टिफिकेट चाहिए. शायद हमें बॉडी मिल जाएगी इस होप में इस केस को ओपन रखकर इसी तरह टाइम वेस्ट अगर करेंगे, या फिर डेथ सर्टिफिकेट लेकर अमेरिका जाकर अपने बच्चों का फ्यूचर संभालेंगी. ये एक बार अच्छे से सोच लीजिए. ये सेटलमेंट में दिखने वाला टैलेंट केस सॉल्व करने में दिखाइए सर. ए, इसे लॉकअप में लेके जाओ. लेकर जाइए. और क्या कर सकते हो, यूनिफॉर्म है. ए, बंद कर. स्टॉप इट. सर बताइए कहाँ साइन करना है.
यू आउट ऑफ योर माइंड? ये मर्डर है जानते हुए भी ये लोग ड्रामा कर रहे हैं, तुम क्यों नहीं समझ रही हो? समझ रही हूँ, इसलिए कहा केस क्लोज कर दो उनके लिए। प्लीज लीव दिस। डैडी को किसने मारा होगा? डैडी को किसी ने नहीं मारा बेटा, वो मम्मी के पास चले गए, लेकिन मायरा आंटी तुम्हें डैडी से ज्यादा प्यार करेगी। पानी की विमुक्ति तेलुगु माफिया का स्टॉप। सर आज बंद है, गाड़ी स्कूल में पार्क कर दीजिए, आपको जहाँ जाना है हमारे ऑटो वाले ड्रॉप कर देंगे। गाड़ी स्टेशन में रखकर दिल्ली जाना है, आने तक 3 दिन यहाँ रहेगी क्या भाई? सर पर्यावरण संघ के अंतर्गत ये बंद हो रहा है सर, गाड़ी को कुछ नहीं होगा। ए, सर को जानते हो ना, ये गाड़ी लेकर जा, अपने गली के किनारे सर का घर है ना, वहाँ रख कर आ। आइए सर, आइए सर। ए, हट जाओ। सर उधर जाइए, आपकी गाड़ी। बैठिए सर। इसका मतलब ये लोग हमें बंद के नाम पे लूट रहे हैं। सर आज सबके लिए फ्री राइड है सर। पुलिस पर पत्थर भी नहीं फेंके, बस में आग भी नहीं लगाया, स्कूल मार्केट बंद भी नहीं करवाया, ये किस तरह का बंद है बॉस? ऐसा कुछ भी किए बिना ही एक आदमी ने ब्रिटिश वालों को भगा दिया था सर। अभी तो बस शुरुआत है, दोपहर तक देखना हर जगह आग लगेगी। सर वैसा करना है तो वो पुलिस या राज के गुंडे ही कर सकते हैं सर, हम नहीं। आत्महत्या करने वाले किसान है सर, हम हत्या करने वाले गुंडे नहीं है। अगर किसान हो तो ऑटो क्यों चला रहे हो? किसान की तरह जी नहीं सकते और पढ़ाई हम कर नहीं सकते। एक बार वो मैप देखिए सर तो हमारी कहानी समझ आएगी। पिछले 3 सालों में तेलेरु के आसपास के गांव के 900 किसानों ने आत्महत्या कर ली थी सर, ये आपके न्यूज चैनल्स में कभी कभार दिखाई देने वाली खबर हो सकती है सर, पर वो आत्महत्याएं नहीं थी सर, हत्या थी। ये 40 साल पहले एक वर्ग के वोट्स के लिए शुरू हुई कहानी है। एक समय में एशिया में सबसे साफ पानी की नदी तेलुरु में थी, मछुआरों और किसानों को एक समान रूप से जिंदगी दिया करती थी, पर उस नदी पर कब्जा कर कृत्रिम मछलियों का पालन बढ़ाकर एक व्यक्ति ने सारे मछुआरों को अपना वोटर्स बना लिया। उसके बाद सोसाइटीज लोन्स लीज कहकर सारी नदी को अपने कब्जे में लेकर उन्हीं वोटर्स को अपनी व्यवस्था में गुलाम बना चुकी है, हजारों करोड़ों का साम्राज्य बना चुकी है। उस व्यक्ति का नाम है विशाखावानी, उस व्यापार का नाम ही मत्स्य गंधा फिशरीज है। राजनीति से व्यापार को, व्यापार से राजनीति को खरीद कर आज सारे राज्य को अपने कब्जे में ले चुकी है। इसमें किसानों का क्या नुकसान हो रहा है? मछलियों को डालने वाले कृत्रिम आहार के कारण पानी खराब हो गया, नदी के बांध की वजह से पानी का स्तर कम हो गया, समुद्र के पानी के उल्टे बहाव के कारण उसके खारे पानी से लाखों एकड़ की खेती बर्बाद हो गई। कभी वो नदी ऑक्सीजन देती थी, आज जहरीली बन गई है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ जाकर अपना कब्जा बढ़ाते जा रहे हैं सर। सरकार खुद गुंडों जैसा बर्ताव करे तो हम जैसे लोग किसको जाकर सुनाए? सर मैंने बोला था ना फ्री राइड है, हमारी कहानी पर विश्वास करोगे तो वही हमारा पेमेंट होगा सर। सर उस दिन मैंने जो आपको कहा वो मन में मत रखिए, आपको उन गुंडों से बचाने के लिए ही ऐसा कहना पड़ा। उस पर 6 महीनों से शूट एट साइट का ऑर्डर है सर, अगर पुलिस ही कुछ नहीं कर पाए तो आप क्या कर पाओगे सर? उसे मार भी दिया तो उसकी जगह कोई और ले लेगा। वैसे गधे सिस्टम में पैदा ना हो उसका ध्यान रखने वाले किसान हुआ, गन शॉट की तरह इंटरव्यू देकर इस ऑटो वाले के साथ एक चिल्ड बियर मारिएगा, मरते दम तक याद रखोगे सर। All the best, sir. Thank you. All the best. Thank you.
में बार बार तुमको एंजाइटी हो जाती है, पैनिक करते हो, फिर भी तुम्हें ट्रेन से ही जाना है। इंसान को उसकी मेमोरीज डिफाइन करती हैं, उसे उनका सामना करना चाहिए, उसे भागना नहीं चाहिए। व्हाटएवर यार, ये वहां देख, क्या है? कम से कम 10 शताब्दी पहले वेंगी राजाओं ने शासन किया प्रांत है। Can you name it tourist attraction of your place? टेलेरु। सारे IAS ऑफिसर करप्ट है, CFO है। इस पर आपका क्या ओपिनियन है? पूरे सिस्टम ही करप्ट है सर, तो सारे करप्ट है सर। With all due respect, क्या आप में से कोई ऑफिसर्स हैं जो करप्ट नहीं है? हैदराबाद में हुए रेपिस्ट लैब एनकाउंटर पर तुम्हारी क्या राय है? अराजकता है। कैसे? सबके लिए एक समान रूप से काम करना ही न्याय है सर। आलसीपन, देरी करना, पक्षपात से जनता का न्याय व्यवस्था के ऊपर का भरोसा तोड़ने का काम ही कर रही है हमारी न्याय व्यवस्था। इस पर राजनीति ने टेम्पररी सॉल्यूशन जो ढूंढा था वो था एनकाउंटर। अगर वही उन रेपिस्ट में से कोई मंत्री का बेटा हो तो क्या उसका एनकाउंटर होगा सर? मिस्टर अभिराम, आपके पास के गांव में इंटरकास्ट मैरिज करने वाली एक युवा जोड़ी का गांव के लोग विरोध कर रहे हैं और दूसरा गांव एक लड़की पर एसिड अटैक कर रहा है। पहले आप कौन से गांव जाएंगे? जो गांव नजदीक होगा उसी गांव में पहले जाऊंगा सर। What's the point of this question, sir? 22 में पहले कौन सा दो आता है, मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया? कोई भी आंसर दो वो करेक्ट ही होगा। तो वो पर्सनैलिटी इंटरव्यू कैसे हुआ सर? या फिर सिस्टम में एंटर होने से पहले ही राइट या रॉन्ग नहीं होता ये कहकर कॉम्प्रोमाइज करना सिखा रहे हो? Mr. Abhiram, are you challenging the integrity of this board? No, sir. I'm challenging the integrity of the entire system, sir. तो फिर इस attitude के साथ उस system में कैसे fit होगे? Fit होने के लिए system ही कहाँ है, sir? राजकीय नायक, सरकारी नौकर, कोर्ट के तीन घोड़े, संविधान को समानता से खींचते हुए एक दूसरे की गलती को खंडित करते हुए आगे बढ़ेंगे तभी ये गाड़ी सड़क पर रहेगी सर। पर सत्ता की नशे में धुत ये राजकीय घोड़ा अगर रास्ता भटक कर बाकी के दो घोड़ों को अपनी मर्जी के मुताबिक चला रहा है तो सिस्टम कैसे बचेगा सर? कई लाखों लोगों को फिल्टर करके मिले हुए वैल्यूएबल प्रिंट्स को सिस्टम में धकेला जा रहा है पर उन्हें सच्चाई के साथ काम करने का मौका कहां मिलता है सर? अगर ये पर्सनैलिटी इंटरव्यू है तो ये पर्सनैलिटी वहां कैसे मिस हो रही है सर? कंट्रोल करने वाली व्यवस्था ही उन्हें पाल रही है। ऐसे कुछ इंसिडेंट्स देखकर ही इस इंटरव्यू में आया हूं सर। उन्हें ये पावर किसने दी सर? इलेक्शन में वोट देने वाला वोटर सोचता है कि वो नेता उसकी जिंदगी बदल देगा
हमेशा लूटने की कोशिश में ब्यूरोक्रेट्स को कंट्रोल करने वाले पॉलिटिशियन, जनता के लिए काम ना करके साहूकारों के लिए काम करने वाले ब्यूरोक्रेट्स, इस जाल में फंसकर हमारी जिंदगी कोई नहीं बदलेगा सोचकर अपना वोट बेचकर जी रहे हैं वोटर। चक्र पूरा हो गया सर। इस व्यवस्था में एक और आईएएस ऑफिसर आएगा तो क्या, जाएगा तो क्या, चाहे वो मैं रहूं या चाहे कोई और रहे। 75 साल से सरकार है इसी भ्रम में जी रहे थे सर, पर उस सरकार की असलियत क्या है ये कोई नहीं जानता सर। What's the point of this interview, sir, if not a pseudo-intellectual masturbation? मिस्टर अभिराम, इस टेम्परमेंट के साथ आप इस फील्ड में काम नहीं आओगे। आई एम सॉरी। थैंक यू सर, मैंने भी यही रियलाइज किया है। एक सिविल सर्वेंट के साथी को क्लैश की वजह से मैं इस गेम में आया था, पर आधे वक्त रास्ते में ही समझ आ गया था इस खेल में रूल्स नहीं है, बल्कि ये खेल ही नहीं बस खिलवाड़ है। रिपोर्ट से अंकल, घर खाली करते वक्त मिली थी। मुझे तो ये पक्का एक पॉलिटिकल मर्डर लगता है। I wish I could help, but सिस्टम ही रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, तो फिर मैं अकेला क्या कर सकता हूँ? मैं यूएस जाते ही WHO में रिपोर्ट कर दूंगी। आप यहाँ से ये केस रीओपन करने में हमारी मदद करेंगे क्या अंकल? हे मामा जी, घर पे आ गए। आईएएस बन गए क्या? इंटरव्यू का क्या हुआ? होना क्या है, आपकी इच्छा के मुताबिक ही हुआ है अंकल। ये इंटरव्यू में हार गया, आप जाकर वापस वही टिकट्स बुक कीजिए। इस बार बिजनेस क्लास में बुक करता हूँ। बाय, दिस इज माय कॉन्टैक्ट नंबर। Let me know when you are there. मैं आकर तुम्हें पिक कर लूंगी। अभी तुम जैसे लोगों को सिस्टम में नहीं रहना चाहिए, बल्कि बाहर रहना चाहिए, ही देश के लिए अच्छा होगा। Just take it easy अभी। Hope I'll see you soon. Bye auntie. Bye. Bye. Bye uncle. Bye Priya. Bye uncle. You just stay with us when you came to US. For sure. चल बैठ दे मुझे। एक टिप्पा पे आउट हो जाएगा बोला था ना? आपने स्ट्रेट कैच लिया ना? ऐसा तो आप नहीं बोले थे। अरे ये तो अभी से करप्शन किंग बन गया यार। चल बैठ दे मुझे। मैं नहीं दूंगा। अरे मैं नहीं छोडूंगा। छोड़ना नहीं। बेलेरू के निवासी मिस्टर अभिराम ने IIT में मैकेनिकल इंजीनियर की पढ़ाई कर गोल्ड मेडल जीत लिया है। पिछले चुनाव में इसी युवक ने चुनाव की व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर दिया था और खबरों में बना हुआ था। इतना ही नहीं, इस युवक ने पहले ही अटेम्प्ट में IPSC क्रैक कर दिया है, जो कि काबिले तारीफ है। इस युवक के इंटरव्यू से कैबिनेट सेक्रेटरी के साथ साथ सारे पैनल मेंबर्स इम्प्रेस हो गए हैं। अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियों से उनके लिए ऑफर्स आ रहे हैं। सी, एनी न्यू मेडिसिन और वैक्सीन सैंपल टेस्ट में सक्सेस होने के बाद ही मार्केट में इंट्रोड्यूस करते हैं। बिल्कुल वैसा ध्यान पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव में भी अप्लाई करने पर ही वो एक मैच्योर डेमोक्रेसी होगा। मैं जब से कैबिनेट सेक्रेटरी बना तब से चाहे जो पार्टी हो सारे देश में इंप्लीमेंट करने से पहले एक ब्रिक लेवल एक्सपेरिमेंट होना चाहिए, ऐसी मेरी इच्छा है। मिस्टर अभी, यू आर दैट एक्सपेरिमेंट। आगे भविष्य में UPSC कलेक्टर को बनाने के अलावा उन पर राज्य सरकार के जो भी अधिकार हैं उन्हें भी अपने हाथों में लेकर इसी दिशा में केंद्र सरकार ने एक एग्जीक्यूटिव अरेंजमेंट बिल का प्रस्ताव लाया है। एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ इसलिए ये मत सोचना कि तुम्हें अनलिमिटेड पावर्स मिलेंगी। किसी भी पॉलिटिशियन को तुम्हें ट्रांसफर करने का अधिकार नहीं होगा, ये एक ही कम्फर्ट तुम्हें मिलेगा। इस प्रपोजल के लिए पहले प्रयोग के लिए IAS टॉपर अभिराम को UPSC
रिपोर्ट पश्चिम गोदावरी जिला कलेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। इस 25 साल के बैचलर के काम के ऊपर ही इस बिल का भविष्य निर्भर करता है। ये केंद्र सरकार के नेतृत्व के अन्याय का एक और निदर्शन है। इट इज एंटी फेडरल एंड वी आर स्ट्रॉन्गली अपोजिंग दिस बिल। इट इज रिडिकुलस, अनडेमोक्रेटिक। देश की सारी क्षेत्रीय पार्टियां इस बिल का तीव्रता से खंडन करती हैं। दुनिया के जितने भी लोकतंत्र देश हैं वो इसी मॉडल पर काम कर रहे हैं। असल में डेमोक्रेसी इसी को कहते हैं। विद द सपोर्ट ऑफ द करंट सेंट्रल गवर्नमेंट आवर टारगेट इज टू अचीव दैट। एंड मार्क माय वर्ड्स, ये एक्सपेरिमेंट जरूर फेल होगा। ऐसा कह रहे हैं ये लोग। तो फिर हमें और ब्रिटिशर्स में क्या फर्क रह जाएगा? हम यहाँ हैं जनता के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, सेटलमेंट्स करने के लिए नहीं। इधर नहीं, उधर ध्यान दीजिए। Please be seated. आज तक इस जिले के कलेक्टर का भविष्य एक पॉलिटिशियन के हाथ में हुआ करता था, लेकिन आज से वो यूपीएससी बोर्ड के हाथों में है। मतलब इनडायरेक्टली वो भविष्य मेरे हाथों में है। इस बात का ध्यान रहे। As you all know, collector is the supreme authority of the district, and I am that supreme authority. पुराने तरीके में और नए तरीके में एक ही फर्क है। अब तक पॉलिटिशियंस के घरों में सीक्रेटली हुए सेटलमेंट्स आज से यहीं लीगली, पब्लिकली और पीसफुली होंगे। चुटकी बजाते ही व्यवस्था को बदलने के लिए ये कोई सिनेमा नहीं है। ना ही मैं भारतीय हूं और ना ही कोई अपरिचित। बाय चॉइस बुरे होकर जीना चाहने वाले को कोई नहीं बदल सकता, सिस्टम के मुताबिक सजा देने के अलावा। आप में से कई लोग अच्छे ऑफिसर्स बनकर जीना चाहकर भी ना जीने वाले हैं। उन्हें वो मौका देना ही मेरा लक्ष्य है और वही असली बदलाव होगा। नया आने वाला हर कोई ऐसा ही कहता है सोचकर मजाक समझने वाले पास के जिले में अभी से ट्रांसफर करवा लो वरना तुम्हारा करियर बर्बाद हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। एसपी सर, सर उस दिवरेकर गुना की केस फाइल लेकर मेरे रूम में आइए। कर 18 अपराध हैं, 6 महीने से शूट एट साइट का ऑर्डर है। हाउ डू यू एक्सप्लेन दिस? सर एक स्पेशल टीम के साथ 6 महीने से ढूंढ रहे हैं हम लोग। आपको एज एन एसआई ज्वाइन किए कितने दिन हुए हैं? 3 महीने सर। शूट एट साइट ऑर्डर का मतलब क्या है? जेल काट चुका कैदी बाहर के लोगों को और उनकी मान मर्यादा को हानि पहुंचा रहा है सर, उसे देखते ही गोली मार देने का कोर्ट का ऑर्डर है सर। वो तो बाहर के लोगों को अच्छी तरह दिखाई देता है। कहीं आपको कोई सिलेक्टिव विजन नाम की बीमारी है?
सर, जिस दिन से आप आए हो उस दिन से मेरी परमिशन के बिना मेरे स्टाफ को बुलाकर उन्हीं के सामने साफ साफ मेरी बेइज्जती कर रहे हो, यानी अब ये लुका छुपी किस लिए? अच्छे से बात करते हैं ना हम। गुनाह को टच किया तो विशाखा वानी से वॉर डिक्लेयर करने जैसा ही है ये। गुनाह के साथ साथ उसे मारने वाला भी समाधि में चला जाएगा, ये बात गांव वाले सब जानते हैं। इस ट्रांसफर से हमें कौन बचाएगा सर? इस ड्यूटी के साथ साथ घर में बीवी बच्चों को संभालने की ड्यूटी भी है हमारी सर। एसपी सर, आप अर्जेंटली अजी से बात करके दूसरे जिले में ट्रांसफर करवा लीजिए, घर की ड्यूटी संभालिए। अब जाइए। सर, गुना कहाँ रहता है मैं जानता हूँ सर, अगर आपका सपोर्ट मिले तो मैं हिम्मत कर सकता हूँ सर। गुनाह को शूट करने वाला मारा जाएगा ना, चलो वो मौत कैसी होती है मैं भी देखता हूं। Look!
एक बात बिल्कुल सही कही तूने। नहीं सर। जान बहुत नाजुक चीज है, उफ करते ही बुझ जाती है, चाहे वो तेरी हो या मेरी हो। सर देखो। यस सर। मायरा, 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 डॉक्टर, डॉक्टर। निर्बंध से मिली लड़की एक एनआरआई है। पता चला कि आज सुबह 3 बजे एनकाउंटर ऑपरेशन पूरा हुआ है, ऐसा पुलिस बता रही है। आगे का इलाज पूरा करवाने के बाद अमेरिका वापस लौट रही थी। फिर रहे गुना को कोच लिया है और वो 18 केसेस में मुख्य आरोपी है। जिला कलेक्टर मिस्टर अभिराम के आते ही उन्होंने खतरनाक गुंडे गुना को सरेंडर करने के लिए कलेक्टर अभिराम ने 4 घंटे की मोहलत दी है। उसको मल्टीपल फ्रैक्चर है और इसके सिर में लगभग 40 टांके लगेंगे, बट शी इज लकी, शी विल सरवाइव। पर उसको बार बार टॉर्चर करके रेप किया गया है।
नमस्ते। अब कैसी है हालत? जान को खतरा नहीं है, फिलहाल वो अनकॉन्शियस है। केस कौन हैंडल कर रहा है डॉक्टर? डायरेक्टली कलेक्टर साहब हैंडल कर रहे हैं। आप लोगों का काम है, आप ही कीजिए। ओके सर। गोपाल। यस सर। तुम यहीं रुको और सब कुछ संभालो। ओके मैडम। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कहा था और इसने गले में बांध दी, नालायक कहीं का। पहले तो इस हादसे से जूझ रही विक्टिम जल्दी से ठीक हो जाए, यही प्रार्थना है। इस इंसिडेंट में पकड़े गए सारे गुनहगारों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, न्याय व्यवस्था को यही विनती करती हूँ। गुणा को हमारी पार्टी ने पाल पोस कर रखा है, विरोधी पार्टी तो यही प्रचार करती है। वो 6 महीने में जो काम नहीं कर पाए वो हमने 6 हफ्तों के अंदर अंदर ही करके दिखा दिया। इस हिसाब से गुणा को किसने पाल पोस कर रखा था, यह आप भी समझ लीजिए। सर, कलेक्टर अभिराम के अपॉइंटमेंट को आपने खंडन किया था, पर उन्होंने ही इस ऑपरेशन को आगे बढ़कर अंजाम दिया, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? किसने कहा? यह हमारी सरकार ने प्लान किया हुआ एक सीक्रेट ऑपरेशन था, और कलेक्टर अभिराम हमारे चेन ऑफ कमांड का एक पासिंग पॉइंट है, बस। राष्ट्र के सारे माफिया का अंत करना ही हमारी पार्टी का लक्ष्य है, और वो इस एनकाउंटर से शुरू हो गया है। सारे राष्ट्र में इस तरह के काम करके हम राष्ट्र में शांति फैलाना चाहते हैं। उस लड़की के बारे में अब तक हमें कोई खबर नहीं मिली है, क्या उस लड़की से मिली है? अब उसकी हालत कैसी है मैडम? उस लड़की की हालत इस वक्त बहुत ही खराब है, हम बस ये प्रार्थना कर सकते हैं कि वो होश में आ जाए, और कुछ नहीं। पॉलिटिकल लीडर्स हमारे डिपार्टमेंट को फ्रीडम देंगे तो रिजल्ट्स कैसे होंगे ये आप सभी ने देखा है। हम चाहते हैं कि आगे भी ये सपोर्ट ऐसा ही चलता रहे। इस एनकाउंटर के मामले में सर, तुम देख लो। सर, 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 जस्ट अ मिनट सर, सीएमजी ने इस केस को पर्सनली मुझे हैंडल करने कहा है। तो मुझे आने से मना किया है? सर, ऐसी बात नहीं है, जिसका काम है वही इसे अच्छे से कर सकता है। कलेक्टर होने के नाते जिले में कोई भी काम हो वो डायरेक्टली हैंडल करने का अधिकार है मुझे। ऑफ कोर्स सर, आप ही फाइनल अथॉरिटी है। सर, ये लोग कौन है? दुनिया में कहीं पर भी यूएस सिटीजंस पर क्राइम होता है तो वहाँ के कॉन्सुलेट असिस्टेंट की हेल्प करना उनकी ड्यूटी है, और उनका साथ देना हमारी ड्यूटी है। एनी कंसर्न्स? नॉट एट ऑल सर, नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम। Is this the medicine going in there? Yes, ma'am. Can I check? This is a wrong dosage. Prescription kisne diya tha? Chief doctor ne diya hai. What's happening here? Patient ko marne ka treatment chal raha hai yahan. Mind your language, sir. Ye log kaun hai? Consulate officials. Hypertonic cylinder mein 30% xylitol diya hai. Isse patient ki maut ho sakti hai, aapko nahi pata kya? Ise likhne wale aap hi ho na? सर, वो कोई गलती से हो गया सर। सिस्टर, निकाल दो उसे। प्लीज गेट अ न्यू स्लाइम। इंसानों की जान जाए ऐसी गलती को गलती नहीं कहते हैं। बाहर चलिए। दूसरे पेशेंट्स को संभालिए। कौन हो तुम, यहाँ क्या कर रहे हो? विशाखा वाणी जी का पीए हूँ सर, लड़की के प्रोग्रेस का ध्यान रखने के लिए कहा है। प्रोग्रेस, ये बात है।
shift her to Hyderabad and then pick from there we'll move to the US. No, no, no. First we have to file the FIR. Impossible. What? वो पुलिस से नहीं मिलना चाहती। ऐसा कैसे चलेगा? FIR करना ही होगा। It's a procedure. Understand sir, that? I know, please let me talk to her. Excuse me, sir. No, can't go inside. I'm her close friend. Please let me in. No, sorry, you can't go in. Myra. Excuse me. Myra. You can't go in. Myra. Excuse me. Myra. Excuse me. Please listen. देखो, Myra. Please listen. Myra. Sir, please understand. You can't go. You can't go in, sir. Please, please understand. She's calling. Let me go in. What the hell is that? Hello, madam. हालात हाथ से निकल चुके हैं. वो अंदर गया है. की तबीयत के बारे में अपडेट जानने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मायरा, मुझे बस एक बात पता, तुम उन डॉक्यूमेंट्स के साथ आखिरी बार किससे मिली थी? मैं यूएस जाते ही डब्ल्यूएचओ में रिपोर्ट कर दूंगी। आप यहाँ से ये केस रीओपन करने में हमारी मदद करेंगे क्या अंकल? धड़कने वाला दिल
शुरू की है। मैंने किसी को ना समझ आने वाले नसों की बीमारी से बाधित होने वाले केसेस फेस किए हैं। महीने दर महीने उन पेशेंट्स का काउंट बढ़ता ही चला गया। हमारे जिले में अब तक 3000 केसेस रजिस्टर हो चुके हैं। मेरी वाइफ भी इस बीमारी से सिक हुई, तभी उसके बारे में एक क्लू मिला। इस बीमारी से बाधित सारे पेशेंट्स में एक कॉमन हैबिट होती है, हर रोज फिश खाने की। वो फिश तेलरों में पड़कर मत्स्यगंधा फिशरीज के जरिए डिस्ट्रीब्यूट होती है। तेलरों में 80% फिश टैंक्स मत्स्यगंधा फिशरीज के लीज में है। मीट शॉप्स में बचे हुए वेस्ट को मरे हुए जानवरों के एक केमिकल में पिघलाकर मछलियों को आहार के रूप में देते हैं। मछलियां जल्दी से बढ़कर ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए वो ऐसा करते हैं। 30 साल से इस नदी में मछलियों को इसी तरह से पाला जा रहा है। इसके कारण सारा तेलरो सीलाइस नाम के बैक्टीरिया से मर चुका है। ये बैक्टीरिया नदी के हर मछली के अंदर है। काफी हद तक हमारे खाने से पहले ही वो बैक्टीरिया मर जाता है, पर कुछ रेयर केसेस में वो जिंदा बच जाते हैं और डायरेक्टली ब्रेन पर अटैक करते हैं। इस बीमारी से आने वाले हर पेशेंट में ये बैक्टीरिया पाया गया है। पंछियों की संख्या कम होती जा रही थी, तो पंछी ही है ना, ये समझकर ध्यान नहीं दिया। पंछियों को जीवन ना देने वाली नदी इंसानों को जीवन कैसे दे पाएगी? आसपास के लाखों एकड़ खेत बर्बाद होने का कारण और किसानों की आत्महत्याओं का कारण भी ये पोल्यूशन ही है। सिर्फ नाम के लिए ये अच्छे नदी का पानी है, पर ये पानी पीने के या उपयोग करने के लायक नहीं है। ये गंदगी आसपास के लाखों जिंदगियों को इन्फ्लुएंस कर रही है, और इसे निगलेक्ट करके बैठना एक जिंदा लाश के जैसा है। अठारह साल की उम्र में यूएस सिटीजनशिप छोड़कर इंडिया में पढ़कर यहीं पर सेटल हुआ है। इन रिपोर्ट से एक्शन लेने के लिए भारतीयता अपने मुंह पर लपेटकर भारत देश को अपने कंधों पर ढो रहे अपने ऑफिशियल से मिला ये असली इंडियन वरुण हैंसन। हमारे डीसी से मिलने के बाद वो कहीं दिखाई नहीं दिया। उसी डीसी से मिलने के बाद इनकी बहन फिलहाल हॉस्पिटल में इलाज पा रही मायरा हैंसन, वो भी फिर दिखाई नहीं थी। सर, मैंने अपनी ड्यूटी की थी, ऑफिसर्स को इन्फॉर्म किया था। You're not a postman, Mr. Kucharat! Not a postman! जिम्मेदार डीसी होने के नाते एक मरण कांड में आपका रिस्पॉन्स इतना ही है? सर, वो रिपोर्ट बेसलेस है, रिसर्च गलत है। हमारे पब्लिक हेल्थ ऑफिसर ने काउंटर रिपोर्ट दी थी। सर वैसे रिपोर्ट बनाने के लिए कहने वाले भी डीसी साहब हैं। ऐसा करने के लिए मुझे भी ऊपर से ऑर्डर आया था सर। एज ऑफ नाउ यू बोथ आर सस्पेंडेड एंड आर अंडर इन्वेस्टिगेशन। इस तरफ से जाइए सर। तेलुरु से जो प्राण आपने निकाले हैं उन्हें वापस लौटाइए, यही मांगने आया हूं।
क्या कहा? लेकिन जो प्राण निकल चुके वो लौटते नहीं। अपनी मुट्ठी से मुक्त कर दोगी तो तेलुरु में प्राण वापस आ जाएंगे, यही प्रकृति की शक्ति है। पर तेलुरु के सहारे 2.5 लाख वोटर्स जीते आ रहे हैं, फिर उनके प्राण का क्या होगा? उनकी जिंदगी के बारे में सोचकर ही ये प्रपोजल लाया हूं। ऑपोजिशन जब पावर में था तब तो ऐसा नहीं हुआ, अब हो जाएगा ऐसा लगता है तुम्हें। तो फिर एग्जीक्यूटिव होने के नाते खुद से ही एक्शन लेने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है मैडम। एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, कानूनी सभा आदेश के मुताबिक ही उद्योगियों को काम करना चाहिए, लगता है ये बात भूल गए हो तुम। एज पर कॉन्स्टिट्यूशन कानूनी सभा आदेश मरण होम का कारण बनता है, तो उद्योगियों को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। फॉलो करेंगे तो आप जैसे लोग हिटलर बन जाते हैं। हिटलर हो या गांधी, सब जनता की ताकत से ही लीडर बने हैं, और जनता मेरे साथ है। जिंदगी और मौत का फर्क पता चलने के बाद जनता जिंदगी को चुनेगी मैडम, आपको नहीं। चलो तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। राष्ट्र में पहली बार कॉप सोसाइटी का निर्माण करने वाले एक फ्रीडम फाइटर की कहानी। असली लोकतंत्र लोकल गवर्नेंस में है, ऐसा लोगों को भाषण दिया करता था। लोगों की जिंदगी सवारने के लिए कम्युनिस्ट झंडा लेकर सड़क पर निकल पड़ा। सब कुछ सुनने के बाद इलेक्शन से पहले ओपोनेंट्स ने डाली हुई घास खाकर आने वाले 5 इलेक्शंस में उसे डिपॉजिट भी ना मिले इस तरह हरा दिया उन्हीं लोगों ने। इमरजेंसी का सामना करते हुए पुलिस की गोलीबारी में अपने दामाद को खो दिया। 13 महीने जेल में सड़कर लावारिसों की तरह मौत को गले लगाया। उस इंसान का नाम है हनुमंतरा, उनकी बेटी का नाम है विशाखावाणी। पिता की लाश को चिता देते वक्त गर्भिणी थी। उस दिन उसने चिता को आग लगाई, अपने पिता की लाश को नहीं बल्कि पिता के अंदर समाई सच्चाई को आग लगाई, और उनकी लाचारी को उस आग को अपने सीने में रखकर, अपने पिता को हराने वाले तंत्र को अपनी मुट्ठी में रखकर जीतते हुए जी रही हूँ आज। मतलब जनता को उल्लू बनाकर जीना ही आपका तंत्र है? एक कार्टूनिस्ट के बनाए हुए घटिया कार्टून को प्रिंट करने से मना करने वाले एक तमिलियन पर गुस्से से बॉम्बे से साउथ इंडियंस को मारकर भगाकर प्रजानायक बना, और उसके कुछ साल बाद तक नॉर्थ इंडियंस को अपने राज्य से भगाकर राजकीय शक्ति बन चुका था वो फैसिस्ट फैमिली। आज उस राज्य की रूलिंग पार्टी है। जाति के नाम पर हमारे देश को अलग अलग करने वाला हर एक गधा एक नायक है। सब्सिडी के जरिए सबको आलसी बनाने वाली हर पार्टी एक रूलिंग पार्टी है। जहां अज्ञान इकट्ठा होता है वहीं धोखा पैदा होता है कलेक्टर। मौत क्या है और जिंदगी क्या है तुम समझाओगे तब भी वो नहीं समझेंगे। तुम्हारी आंखें गंदी नदी को देख सकती हैं और मेरी आंखें पूरे मैले समुंदर को देख रही हैं। डार्विन के कहने के मुताबिक बंदर ही आगे चलकर इंसान बना है। किसी भी लोकतंत्र में एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम 80% वोटर अभी भी बंदर हैं। इस होशियार माइनॉरिटी के पास, उस बेवकूफ बंदर के पास एक ही पावर है, वोट। और ऐसी व्यवस्था से क्या मिलेगा अराजकता के अलावा? उनमें से जो भी उस बंदर को चालाकी से सिखाएगा वही उस पिरामिड पर होगा। और इसीलिए चाहे कोई भी डेमोक्रेसी फंक्शन हो, तुम्हारा जो इश्यू है उस पर मेरा इक्वेशन सिंपल है। नदी के कारण बाधित हुए लोग केवल 1 लाख हैं, और लाभ पाने वाले वोटर्स की संख्या 2.5 लाख है। यही मेरा हिसाब है, एंड इट इज प्योरली डेमोक्रेटिक। इस होल थियरी में आप एक छोटा सा लॉजिक मिस कर गई मैडम। इंसान यहां से यहां तक चेंज तो हुआ है, करेक्ट है, पर इस चेंज को चलाने वाली एक शक्ति है, कॉन्शियंस, मनस्साक्षी। आज आपके सामने खड़े होकर सवाल पूछने वाला मनस्साक्षी। इस वर्जन से नेक्स्ट वर्जन के इंसान में बदलने के लिए आपको 1 हफ्ते की मोहलत देता हूं। अगर तब तक आपके मन में बदलाव आया तो उस रास्ते पर हम एक साथ चलेंगे, वरना
नीचे गिरकर चरित्रहीन हो जाएंगे आप, बिल्कुल हिटलर की तरह। एंड बाय द वे, मेरी फिलॉसफी आपके पढ़ी हुई डार्विन नीचे नहीं सिखाई हुई, पर आपको उन परिणामों की खबर नहीं है और मैं उन परिणामों को देख रहा हूँ। थैंक्स फॉर योर टाइम। रास्ता रोकोगे ये जानते हुए भी आया हूं, क्योंकि इस नदी पर आप सभी का हक है। पर अभी भी क्या वो नदी आपकी ही है? 40 साल पहले आसानी से यहां मछलियां पकड़ रहे थे, तब तक वो नदी आपकी थी। पर जब जीवन देने वाली इस नदी को लीज पर छोड़ दिया गया, उसी दिन ये आपके हाथों से निकल गई। या फिर मुझे बताइए, आपने इससे क्या पा लिया? एक के काम पर चार खाते हुए अपनी बढ़ोतरी में आप ही अड़चन बन रहे हो। अपना आलसीपन यहाँ लेटा कर रखे अपने बच्चों को भी विरासत में दे रहे हो। इस बांध को टूटने से नुकसान आपका नहीं होगा, आपको इस चक्र में फंसा कर आपसे 10 गुना ज्यादा कमाने वाले इस सोसाइटी के प्रेसिडेंट्स आपसे 1000 गुना ज्यादा कमाते हुए आपके भविष्य पर सिंहासन डालकर बैठी हुई वो नियोक्ता है। आपका डर, अज्ञान, मासूमियत, विश्वास ही उसके सिंहासन के चार पैर हैं। उस सिंहासन को बचाने के लिए, अपने गुनाहों को छिपाने के लिए आज आप सभी को उस कंपनी में भागीदार बनाया गया है, और उसका लाभ कभी भी आपको नहीं मिलेगा, यही सच है। इस नदी में क्या हो रहा है आप जानते हो, वो गलत है ये भी जानते हो, पर उस जाल से निकलकर पहाड़ देखने के लिए डरते हो। किस लिए डरते हो? आखिर किस लिए डरते हो? आलस के लिए या अन्याय के लिए? 100 साल पहले वेंगी राज साम्राज्य को बचाने के लिए ओरिसा से आए वीर हैं तुम्हारे दादा और परदादा। तुम्हारी तरह हर बात और बदलाव के लिए वो तो नहीं डर गए थे ना? एक बार डर नाम के इस बांध को तोड़ कर देखिए, उस सिंहासन के पैर टूटेंगे, इस मां की हथकड़ियां खुल जाएंगी, दिलुरु में एक बार फिर जान आएगी, तुम्हारे साथ साथ उन किसानों को भी जिंदगी मिलेगी। आसानी से मछलियां पकड़ने की शक्ति आप सब में है,
वृत्ति के आगे आपके बच्चे भी अपनी शक्ति के मुताबिक आगे बढ़ेंगे। मैं यहाँ आया इस नदी के लिए ही नहीं बल्कि आपके भविष्य और आपके बच्चों के भविष्य को भी बचाने आया हूँ। तो आप रोकोगे या रास्ता दोगे, मर्जी आपकी है, पर आपकी इजाजत के बिना यहाँ से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाऊंगा और एक बांध भी नहीं तोड़ूंगा। Tell
इस दुर्घटना में कुल 15 लोग मारे गए हैं और 22 लोग घायल हुए हैं। शांति कायम रखने के लिए तेलरू के ग्राम में और आसपास की जगहों पर 144 सेक्शन लागू कर दिया गया है। कलेक्टर अभिराम को यूपीएससी बोर्ड ने सस्पेंड कर दिया है। इस संघटना से लेजिस्लेटिव कंट्रोल से एग्जीक्यूटिव ब्रांच को अलग करने की राय केंद्र सरकार के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। प्रजा की समस्याओं के बारे में कोई जानकारी ना रखते हुए गैर जिम्मेदाराना काम कर इस मौत को अंजाम दिया गया है। ऐसा कहकर कलेक्टर अभिराम का कई राजकीय पार्टी के नेताओं ने विरोध किया है। मैंने पहले ही कहा था कि कलेक्टर अभिराम फेल हो जाएगा। ही इज अ फेल्ड एक्सपेरिमेंट। केंद्र सरकार ने इस संघटना में तुरंत फैसला लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत एक ट्रिब्यूनल का आयोजन किया है। तेलरू स्कैम को कवर अप करने में कलेक्टर अभिराम के पिता का होना भी एक विशेष बात है। अब ट्रिब्यूनल का फैसला क्या होगा, बस इसी का इंतजार है। हेलो, गुस्सा आ रहा है ना? पर मुझे तो तुम पर इस वक्त दया आ रही है। ऐसा लग रहा है कि मेरे पिताजी लौट कर वापस आए हैं। तुम्हें जिस परिणाम की खोज है वो तुम्हें जनता में कभी नहीं मिलेगा। इस देश में कोई भी आरोग्य, पढ़ाई, व्यवसाय, पर्यावरण, इकोनॉमी के बारे में नहीं सोच रहा है। उनकी सोच सिर्फ जाति मतभेद, उस वक्त की जरूरत को पूरी होने तक सीमित है। उनका बदलने का इरादा नहीं है और बदलाव लाने का हमारा कोई इरादा नहीं है। तुमने गुणा को मारा पर मेरी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जानते हो क्यों? क्योंकि उस बात पर हजारों गुणा मौजूद है। फर्स्ट फेलियर है ना, बहुत दर्द देता है। धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। हर फेलियर हमें असलियत के और करीब ले आता है और व्यवस्था में मिला देता है। हेलो दीदी। अभी पापा अभी तक घर नहीं लौटे, बहुत डर लग रहा है। पापा किसानों के साथ गए हैं, अभी तक नहीं लौटे। तुम घबराओ मत, मैं देखता हूँ। अभी व्हाट्स हैपनिंग? डोर लॉक कर लो, किसी को भी आने मत देना। अभी सारे एक्सप्लोसिव सही ढंग से लगे हैं कि नहीं, आसपास की बिल्डिंग्स को नुकसान ना पहुंचे। ओके, जीरो टॉलरेंस। कोनो प्रॉब्लम होबे ना साहब, हमी सब देखे नेबो। ओके पापा। हाँ, क्या पूरी बिल्डिंग एक साथ गिर जाएगी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तरह? हाँ बेटा। ऐसे एक साथ कैसे गिर जाएगी? क्योंकि डायनामाइट्स एक साथ उड़ाएंगे। कितने डायनामाइट्स लगाए हैं? लेकिन बिल्डिंग बनती रही, हमें इसे गिराना होगा सर। अरे छोड़ना, तू किससे बात कर रहा है? तुझे पता है राहुल सेनगुप्ता के साथ मैं चीफ मिनिस्टर का भतीजा हूँ और इस शहर का सबसे बड़ा बिल्डर।
आई नो सर। तेरी प्रॉब्लम क्या है, क्या चाहिए? आई जस्ट वॉन्ट द बिल्डिंग टू कम डाउन सर। क्या बात कर रहा है, पूरा बिल्डिंग गिरा देगा? पर ये बिल्डिंग पार्क पर इलीगली बनाई गई है। सुन, तुझे बिल्डिंग में 10 फ्लैट दे दूंगा, छोड़ दे इसे। रिश्वत लेकर गलत नहीं करूंगा, अच्छा करने के लिए रिश्वत नहीं लेना। यू हैप्पी? खुश हो ना? रेडी सर। ऑन काउंट 3। नहीं, इवैक्यूएट हो गया ना? 1। ऐसा मत करना। 2। इसी के बाद 10 रात। 3। ट्रिगर। ट्रांसफर ऑर्डर है क्या? इससे ज्यादा क्या हो सकता है? उसे देखो, वो चाहिए क्या तुम्हें? बिल्कुल, वो तुम्हें मिल जाएगी। आपको तो चाहिए। तुम्हें किस टाइप की चाहिए बोलो? ये बाजू वाली चलेगी? चलेगा। अभी मैनेज करता हूँ ना मैं। आपने देखा नहीं पापा? खेल का मतलब बिना देखे कि ये गलतियों को सुधारना है। इट टीचेस कैरेक्टर। जीतना है तो एक बार और खेल। कम ऑन। अरे पीछे कर लेंगे। भाभी, आप एकदम मस्त लग रही हैं। मुझे भी पीने का है। हमें पीएंगे, आप भी पीएंगे। मुझे भी पीना है। दूसरी कंपार्टमेंट में शिफ्ट होते हैं ना? एक्सक्यूज मी, धीमे बात करेंगे और दरवाजे के पास जाके पियेंगे। जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। बस मुझे थोड़ा सा दूध मिल जाएगा पीने को। मेरी पत्नी और बेटी को मार दिया तो मैं हार गया।
पूरी दुनिया में है, पर उन्हें व्यवस्था सजा देगी या फिर पालेगी, सवाल ये है। मैं वहां ट्रेन में नहीं हारा था, मेरी असली हार तब हुई जब उन दरिंदों को 60 लोगों के सामने दो मासूमों को मारने की सजा सिर्फ 2 महीने हुई। कोर्ट रूम में फैसला सुनाते वक्त राहुल सेन गुप्ता अपनी मूंछों पर ताव देते हुए हंसते हुए मुझे देख रहा था। उस दिन सच्चाई को तिल तिल मरते हुए देख कर जी रहा हूं। आज जो हुआ वो इस लाश का अंतिम संस्कार है। बेटा, मैं जानता था कि तू अपनी जगह पर बिल्कुल सही है, तुझसे कोई भी गलती नहीं हुई, पर तू इस रास्ते पर चलेगा तो मेरे जैसे ही डूब जाएगा, यही सोचकर तुझे रोकना चाहता। लेकिन बेटा, मैं तेरी आंखों में बेबसी नहीं देख सकता। मैंने बचपन से ही तुझे हमेशा मजबूत बनाया है बेटा। युद्ध से भागने वाला कायर कहलाता है और मरते दम तक लड़ने वाला वीर होता है। मेरा बेटा हारा नहीं है और उसे हारना भी नहीं चाहिए। तेरी जीत के लिए ये लाश कैसे काम आएगी ये बता बेटा। पापा, वापस मुझे राह दिखाने वाले मार्गदर्शक बनोगे? साल पहले वेस्ट बंगाल बोर्ड से बाहर निकलकर एबीपीएससी एग्जाम दिया था। एलुरु में पब्लिक हेल्थ ऑफिसर की पोस्ट मिली। पहले इंस्पेक्शन में पता चला कि पीने के पानी में सी लाइस नाम के खतरनाक बैक्टीरिया मौजूद हैं। जब एक्शन लेने के लिए रिस्पांसिबल ऑफिसर से कंसल्ट किया गया तो उस वक्त के कलेक्टर लेट मिस्टर राज सिंह को मैंने रिपोर्ट दर्ज की थी। उस हजारों करोड़ रुपए के बिजनेस की मालिक थी मिनिस्टर विशाखा वानी। मेरे प्रपोजल को यह कहकर रिजेक्ट कर दिया गया कि यह 2.5 लाख वोटर्स की जिंदगी का सवाल है। मुझे धमकी मिली कि इंस्पेक्शन रिपोर्ट को फेक बनाओ वरना तुम्हारा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। मैंने सोचा अगर मैंने ये काम नहीं किया तो भी वो लोग ये काम करवा लेंगे। फिर मैंने रिपोर्ट बदल दी। तुरंत ही मुझे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए प्रमोट कर दिया गया। योर ऑनर, आज से ठीक 4 साल पहले जब किसान 5 से खेतों की बर्बादी की समस्या को लेकर मेरे पास आए थे तो मैं जरूरी एक्शन के लिए मत्स्य पालन मंत्री श्रीमती विशाखा वानी से सीधे मिलकर एक और रिपोर्ट सबमिट की थी। इस पर मंत्री महोदया ने मुझे चेतावनी दी थी कि थेलुरु को हाथ लगाने से खून की नदियां बहेंगी और मुझे फेक रिपोर्ट बनाने का आदेश दिया। जब वरुण हैंसन की रिपोर्ट आई तो मैं प्रीवियस कलेक्टर विजय कुमार से मिला और उनसे इस मामले में एक्शन लेने के लिए रिक्वेस्ट किया, पर उन्होंने मुझसे कहा कि आने वाले इलेक्शन में मैडम विशाखा वानी की पार्टी क्लियर मेजोरिटी से आ रही है, उनकी मर्जी के खिलाफ जाने से अंजाम बुरा हो सकता है। जब फेक रिपोर्ट का आदेश उनसे भी मुझे मिला तो मैंने मजबूर होकर उसे बनाया और सबमिट कर दिया। विटनेस इज एक्सक्यूज्ड। पब्लिक हेल्थ ऑफिसर मिस्टर रंगनाथ, आई फील नॉट गिल्टी योर ऑनर। डेप्यूटी कलेक्टर दशरथ जी के आदेश पर सारे इंस्पेक्शन रिपोर्ट फेक बनाए थे। अगर मैं ये नहीं करता तो मेरी जगह पर किसी और से ये काम करवा लेंगे सोचकर मैंने ही कर दिया। Now, Forest Officer Mr. Janardan Rao, pleading not guilty, Your Honor. मैंने बहुत सिंपली DCG के आदेशों को फॉलो किया। वो काम मैं नहीं तो मेरे अलावा किसी और से करवा लेंगे ये सोचकर मैंने ही कर दिया। Witness is excused. Ex-collector Mr. Vijay Kumar, pleading not guilty, Your Honor. जैसा दशरथ जी ने कहा, मेरे पास कोई रिपोर्ट नहीं है। रिपोर्ट्स को फेक बनाने के लिए मेरे लोगों ने कभी नहीं कहा सर। विशाखा वानी का इस मामले में कोई दखलंदाजी नहीं है। श्रीमती विशाखा वानी, I plead not guilty, Your Honor. मैंने इनमें से किसी भी ऑफिसर्स को इन्फ्लुएंस नहीं किया है और इस बात का कोई सबूत भी नहीं है। बाप बेटा मिलकर अपने किए हुए गुनाहों को छुपाने के लिए
मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। मैं पिछले 40 साल से जनता के लिए लड़ रही हूँ और जनता के लिए जी रही हूँ। इस कलेक्टर ने जो जाल बिछाया है उसमें फंसकर मैं अपना वक्त बर्बाद नहीं करूंगी। इस स्कैम को बढ़ावा देने वाले DCG को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, कोर्ट से मेरी यही विनती है। The court is recessed for lunch. अगर ऐसे ही चलता रहा तो न्याय हो चुका था। कल वो केंद्र सरकार को गाली दे रही थी और आज जाके उसी से मिल गई। यहाँ जरूरत के मुताबिक अलायंसेस कैसे बदल जाते हैं? क्योंकि यहाँ सारी पार्टीज का एजेंडा एक ही है। लगता है इन्हें अपने साथ मिलाकर दिल्ली पार्टी गेम खेल रही है, इसीलिए एक्सपेरिमेंटल कलेक्टर को रखा है। उनके चेस बोर्ड का तू भी एक प्यादा है बस। यस सर। आपने न्यूज देखा? या आई जस्ट हर्ड सर। तो आप जानते हैं कि किस रास्ते पर जाना है? ऑफ कोर्स यस सर। ठीक है। कौन है सर? होम मिनिस्टर। अब आगे क्या होगा? क्या होगा? कन्फेशन करके प्यादे जेल में जाएंगे और प्लेयर्स बाहर रहकर और एक नया गेम खेलेंगे। मिस्टर अभिराम, योर क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट। योर ऑनर, ये केस एक व्यक्ति के बारे में या एक वर्ग के बारे में या गंदगी में फंसे तेलुरु के बारे में नहीं है। ये नदी ही हम हैं और ये नदी ही व्यवस्था है। इस महीने 9 तारीख को हुआ वायलेंस किसी के भड़काने पर तभी के तभी होने वाला वायलेंस नहीं था। कई सालों के लैंड सर्विस इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स, हेल्थ रिकॉर्ड्स को फोर्ज करते हुए इस खराबी पर उंगली उठाने वाले ऑफिसर्स को डराते हुए, सामना करने वालों को खत्म करते हुए, किसानों और मत्स्यकारों के बीच श्रीमती विशाखा वानी जी ने बनाया हुआ युद्ध वातावरण है। वो डिटेल्स सारे सबूतों के साथ आपके सामने रखी है। पर ये विचार उस सच के और इस झूठ के बीच हो रहा युद्ध नहीं है, सच के और न्याय के बीच हो रहा युद्ध है। इस गंदी साजिश की वजह बनने वाले वो सारे गुनाहगार आज राजकीय ताकत से बचने के लिए अपनी पार्टी को ऊपर की पार्टी से समझौते के लिए तैयार कर रहे हैं। वहां का समझौता यहां न्याय पर होने वाला अत्याचार है। योर ऑनर, लोग लोकतंत्र का मतलब सिर्फ वोट का हक, चिल्लाने का हक है, बस इसी भ्रम में है। पर बिना बंधे से टूटने वाली व्यवस्था ही उस लोकतंत्र की बुनियाद है। ना जानते हुए अभी भी उस फ्यूडल व्यवस्था में ही जी रहे हैं। जनता ही नहीं बल्कि सिविल सर्वेंट्स और कोर्ट्स भी उन रूल्स के तले गुलाम की तरह ही जी रहे हैं। सिर्फ ऑपोजिशन पार्टी इलेक्शन स्ट्रेटजी को सीक्रेटली सुनने के कारण अमेरिका में एक प्रेसिडेंट को ही हटा दिया गया है, पर यहां उत्तर प्रदेश में एक लड़की पर रिपीटेडली अत्याचार करते हुए, अपने फैमिली मेंबर्स को मारते हुए 2 साल तक असेंबली अटेंड किया एक MLA ने। यही है लोकतंत्र और फ्यूडल व्यवस्था के बीच का फर्क। पुलिस ही न्याय व्यवस्था बनकर एनकाउंटर कर रही है तो सारा देश ताली बजा रहा है। न्याय व्यवस्था के लिए इससे बड़ा कोई अपमान हो सकता है क्या? मर्जी के मुताबिक गुनहगारों को बचाते हुए मर्जी से लोगों को सजा देने वाले विशाखा वानी जैसे लोग ही कानून, न्याय और निर्णय बन चुके हैं। न्याय व्यवस्था अगर अभी नहीं जाग उठी तो फिर कब जगेगी बताइए? जनता चुनने वाले लेजिस्लेटर्स, उस लेजिस्लेशन को अमल में लाने वाले सिविल सर्वेंट्स, न्याय की रक्षा करने वाली जुडिशरी, ये 3 घोड़े जब ठीक से काम करेंगे तभी वो लोकतंत्र कहा जाएगा, सरकार कहा जाएगा। रास्ता भटके हुए उस लेजिस्लेटिव घोड़े को आज सामने से सवाल पूछ रही है ये एग्जीक्यूटिव व्यवस्था। न्याय व्यवस्था भी अपने पैरों पर खड़े होकर उस घोड़े पर जब लगाम लगाएगा तभी होगा ये असली रिपब्लिक। आपके इस फैसले में बस एक ही सवाल का जवाब ढूंढना होगा योर ऑनर। तेलुरु में जिस दिन से ये साजिश शुरू हुई
उस दिन से 133 लोग सोसाइटी के मेंबर्स वरुण हैंसन की तरह गायब हो चुके हैं। 100 से भी ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। हजारों की तादाद में कंज्यूमर्स बीमारी के शिकार हुए हैं। उनकी जान के लिए कौन जिम्मेदार है? तेलुरु को जहरीला बनाने में आखिर किसका हाथ है? जीवन देने वाला तेलुरु और कितनी जाने लेगा? और इस नुकसान का जिम्मेदार आखिर कौन है? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये सारे स्कैम्स 40 साल से सबसे ज्यादा फायदा किसे हुआ? प्रकृति, प्राण और समाज को एक समान रक्षा ना करने वाला निर्णय, सच में इतने लोगों की जान लेने वाले असली हथियारों को सजा ना सुनाने वाला फैसला, फैसला नहीं बल्कि वो सड़े हुए तेलुरु के पानी के समान है। आई रेस्ट माई केस योर ऑनर। प्रदूषण पर अरुण हैंसन और अभिराम ने जो एविडेंस सबमिट किए हैं वो पूरी तरह से सच है, ऐसा टर्मिनल का मानना है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक 5 काउंटर तक ही नहीं बल्कि 9 काउंटर तक जरूरत पड़ी तो आर्मी की सहायता लेकर सभी तेलुरु के वादों को मिटाने का आदेश दे रहे हैं। प्रतिनिधि और व्यापारी होने के नाते तेलुरु से सबसे ज्यादा फायदा उठाने वाली श्रीमती विशाखा वाणी को प्रथम आरोपी निर्धारित करते हुए ऑर्डर। उनके साथ साथ डिप्टी कलेक्टर दशरथ, एक्स कलेक्टर विजय कुमार, फर्स्ट ऑफिसर जनार्दन राव, हेल्थ ऑफिसर रंगनाथन, सेक्शन 300 करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। डिसिप्लिन तोड़ने के जुर्म में इन सभी को कस्टडी में ले लिया जाए। अंदर फैसला बदल दूंगी, देख लेना। कोर्ट इज एडजॉर्न। हाउ डेयर यू, व्हाट नॉनसेंस इज दिस? I'm sorry, Papa. छोड़ो मुझे। ये मेरी गिरफ्तारी नहीं बेटा, मेरी रिहाई है। छोड़ मुझे। Leave me alone. Hey, तुझे क्या लगता है कि तू जीत गया? हरा कर रहूंगी तुझे। एक हफ्ते में इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट से बदलवा दूंगी, देख लेना। एक हफ्ते के अंदर फैसला बदल जाएगा। I will change the world in a week. मैं ना ही आपका दुश्मन हूँ और ना ही आप मेरी दुश्मन हो। आपके पिताजी और मेरे पिताजी को तोड़ने वाली व्यवस्था ही हमारी दुश्मन है। ये जीत उस व्यवस्था पर है, इसकी हकदार आप भी हो। विशिंग यू वेल मैडम। व्यवस्था इतनी आसानी से नहीं बदलेगी बेटा। ये व्यवस्था कभी नहीं बदलेगी। Thank you.
किसान है, बाधित है, उस नदी को छोड़ दो ये कहकर धरना किया था ना, और अब तुम लोग ही उस नदी पर बांध बना रहे हो। हेलो, एमएलए यहाँ पर है। तो एमएलए हो तो क्या हुआ? बोलो रे, क्यों डर रहे हो तुम लोग? हमने ही बनाया है, इसमें गलत क्या है? तुम्हारी जाति के लोगों ने 40 साल कब्जे में रखकर करोड़ों कमाया है, हम भी 40 साल फायदा लेने के बाद न्याय की बात करेंगे, क्यों भाई? मेरी जाति कौन सी जाति है रे? कौन सी जाति है? क्या कर रहे हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? अरे किसे क्या बोल रहा है समझ में आ रहा है तुझे? अरे तू खाना खाता है या घास खाता है बता? बाबू, हाथ चाहिए बाबू, मैं यहाँ सब संभाल लूंगा, कल सुबह होने से पहले एक भी बांध नहीं दिखेगा बाबू, आप जाइए यहाँ से, जाइए। समुद्र में भी पूरी तरह छानबीन करके हमारे कलेक्टर अभिराम जी की बॉडी को लेकर आएंगे। Yeah.